देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा चुनाव, जी हां, जहां बैठकर देश की दिशा और दशा तय की जाती है, देश का निर्माण किया जाता है। ऐसे में बनारस, जो कि कई इतिहासों को रचने वाला है, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है मतदाताओं में। पूरा बनारस उमड़ पड़ा है अपने अपने मतदान को लेकर, काफ़ी मतदाता उत्साह नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं, सीधे लिए चलते हैं हमारे मतदाताओं के पास आपको, कि किस तरह से मतदान आज आपने किया। जी, आपका नाम? उमा शंकर सिंह। सर, आपने मतदान किया? हाँ, बिल्कुल किया। आखिर सर, मतदान क्यों जरूरी? मतदान जरूरी है भाई, देश में डिसीजन लेने की पावर देने के लिए जो है जरूरी है। एक मुहिम आदमी होना चाहिए ना हमारे बीच में। हमारे साथ युवा वोटर भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरभि। सुरभि जी, आपने मतदान किया? जी हाँ। आप दिखाना चाहेंगे कैमरे में? आपने देखा, क्या महत्व आपने, जब आपके जेहन में क्या सवाल थे जब आप मतदान कर रही थी, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, किस किन बातों को अपने ख्याल करके वोट डाला? सर, डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अच्छी सरकार मिले, जैसे हम लोग का विकास हो सके इंडिया का भी, तो उस पर्पज़ से मैंने दिया इस वोट। आपने देखा, डेवलपमेंट को जेहन में, कई सवाल होते हैं जब हम मतदान को निकलते हैं। काफ़ी ढेर सारे लोग आप देख सक रहे हैं, पूरा बनारस उत्साहित है इस समय। कड़ी धूप है, टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन महिला मतदाता भी हैं। जी, आपसे नाम जानना चाहेंगे मैडम? कुसुमलता। आपने वोट डाला? जी हाँ। जी, दिखाना चाहेंगी? क्या अपील रहेगी और लोगों से मतदान को लेकर? सारे लोग बीजेपी को। नहीं नहीं मैम, आप किसी पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करेंगे हम, आप युवा वोटर हैं। आपने वोट डाला? जी बिल्कुल। आप दिखाना चाहेंगे? क्या कितना महत्वपूर्ण है हमारे लोकतंत्र में मतदान? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोट सभी को डालना चाहिए। आपने देखा, युवा वोटर भी बहुत उत्साहित हैं। हो भी क्यों ना, बनारस हमारा संस्कृति और धार्मिक राजधानी कही जाती है। हमारे साथ एक माताजी भी हैं। माताजी, आपने वोट डाला अपना? क्या नाम है आपका? कुमारी। वोट आखिर क्यों? मैं ना समझ में आऊँ। आपने वोट डाला, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी अपने अपने वोट को लेकर? वोट डाला आई रही। आपने डाला वोट अपना? और लोग जो घरों में बैठे रहते हैं, वोट नहीं डाल पाते, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? आके वोट दे। महिला मतदाता भी हैं। आपने वोट डाला? जी। आप दिखाना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? पूनम सेठ। पूनम जी, आपने वोट डाला तो उस समय कई सवाल भी होते हैं जेहन में, क्या कुछ आप सोच रही थी वोट डालते समय, और आप वोट डाल चुकी हैं, डेवलपमेंट, समस्या, क्या क्या चीज़ें रहीं? डेवलपमेंट तो सबसे पहले है, वही चाहते हैं सब लोग, विकास, और क्या, यही चाहते हैं। और लोगों से क्या अपील रहेगी मतदान को लेके? यही अपील है कि सब लोग मतदान खुलकर करें, देश को आगे बढ़ाएं, यही। आपका नाम? शहनाज परवीन। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, दिखाना चाहेंगी? आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं हमारे काशी के मतदाता। क्या कहना चाहेंगी और लोगों के लिए जो वोट देने अभी भी घरों में बैठे हुए हैं? नहीं, वोट तो सभी को देना चाहिए, घर में बैठना नहीं चाहिए, ये तो सरकार सबके लिए है, हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, बुज़ुर्ग हों, बड़े हों, जो भी हों, सबको आना चाहिए अपने विकास के लिए। किन किन बातों को ख्याल करके माता जी आपने वोट डाला? विकास, समस्या, हर चीज़ के लिए डाल किए। अब देखिए, एक रोज़ेदार होकर, रोज़ा रख कर हम लोग आए भाई, ये नहीं कि हाँ रोज़ा है तो भाई घर में रहें, लेकिन नहीं, अपने विकास के लिए, अपनी सरकार के लिए सब कुछ करना है हम लोग को। धन्यवाद। तो आपने सुना, रोज़ा, रमजान का महीना, गर्मी का मौसम, कड़ी चिलचिलाती धूप, लेकिन माता जी का उत्साह देखने लायक है कि रमजान का जो हिंदू संस्कृति में व्रत कहते हैं, तो रमजान में आदमी रोज़ा रहता है, बावजूद इसके पूरे उत्साह के साथ। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें, जो कि धूप की वजह से इस समय थोड़ी सी किनारे हैं। अन्य लोगों को भी कैमरे के दिखाना चाहेंगे, धूप है फिर भी लोगों का उत्साह नहीं कम हो रहा है। बनारस, जी हाँ, बनारस राजनीतिक रूप से कहीं से भी ऊर्जा ख़त्म नहीं है, ऊर्जा जिंदी है बनारस के लोगों की। अन्य लोग भी हैं, अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि कपूर। रवि जी, आपने वोट डाला अपना? बिल्कुल। क्या
कितना जरूरी है अपना वोट लोकतंत्र लोकतंत्र में? सभी को, जितने नौजवान नए वोटर हैं वो जरूर आए दें, उनको धूप छाए कोई मतलब नहीं, आके अपना मत ढंग से दें और बनारस की धरती पे एक ऐसा मिसाली वोट करें कि पूरे ऑल इंडिया में एक मैसेज जाए कि सबसे अधिक वोट बनारस में हुआ। बहुत अच्छी अपील की आपने। आपका नाम जानना चाहेंगे? हरिनाथ यादव। हरिनाथ जी, आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया? अभी जा रहे हैं करने। जा रहे हैं, कितना जरूरी है मतदान? बहुत जरूरी है। कितना काम छोड़ के आप पहले मतदान के लिए? पहला काम मतदान करना। क्या कहना चाहेंगे अन्य लोगों से जो अभी भी घरों में? यही कहेंगे कि सब लोग आए, अधिक से अधिक मत अपना प्रयोग करें ताकि एक बनारस की एक 2014 से भी अच्छी पोजीशन जाए, यही कहेंगे। देखा आपने 2014 से भी अच्छी पोजीशन। माता जी, 2014 में भी आपने मतदान किया होगा, इस समय 2019 चल रहा है, क्या क्या मन में आपने वोट डाला? क्या क्या आपके मन में सवाल थे, डेवलपमेंट हो, समस्या हो, क्या बताना? मेरे मन में यही था कि बहुत विकास हो और जो अच्छा रहे उसे वोट दीजिए, वो सरकार बने मेरी। मुझे इच्छा यही थी, यही सोच रहे थे, अच्छा अच्छा काम हो, जैसे सड़क बन गया अच्छा, और आगे बने, विकास हो। धन्यवाद। देखा आपने, पूरी व्यवस्था है, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था भी यहाँ पे पूरी चौकन्नी नज़र आ रही है, सेल्फी पॉइंट भी है, ताकि हमारा काशी का मतदान प्रतिशत एक रिकॉर्ड के रूप में कायम हो। सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं, जब सुरक्षाकर्मी अपने परिवार, घर परिवार की परवाह छोड़कर हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार के लिए यहाँ सुरक्षा में मुस्तैद हैं। एक अपील लाइव बीएनएसपी आपसे करता है कि आप भी अपने मत को पहचानें, अपना मताधिकार अवश्य करें। जैसा कि हम बात कर रहे थे लोकतंत्र में एक बनारस जो है, बनारस एक नज़ीर पेश करता है और निश्चित रूप से बनारस के लोगों ने संविधान द्वारा दिए गए अपने जो मताधिकार हैं, अपने उत्साह को दर्शाया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में काशी, जो कि ऐतिहासिक नगरी कही जाती है, धार्मिक नगरी जानी जाती है, लोकतंत्र के लिए भी एक नया आयाम स्थापित करेगी। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।